22 Jan 2023, डे ऑफ चाइनीज न्यू ईयर। आज का दिन अच्छा खासा क्लाउडी और हेजी भी है, टेम्परेचर सिर्फ 21 है, बिल्कुल भी ठंड नहीं है। जब तक ठंड नहीं है तब तक कुछ प्रॉब्लम नहीं है। वेलकम बैक टू माय चैनल, आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। पहले ब्रश करता हूँ क्योंकि जस्ट अभी उठा, उसके बाद कुछ। देखो इस बार चाइनीज 22 को है, मतलब हर बार 22 को होता है, ऐसा नहीं है, चेंजेस होता रहता है, जैसे अपने दिवाली चेंज होती रहती है। ये जनवरी से फरवरी के बीच में आ ही जाता है मोस्टली। लास्ट टाइम फर्स्ट वेव पे था और जब 2020 में मैं रुका था तब वो जनवरी में ही था, 20 के आसपास। मोस्टली सीन अपने दिवाली के जैसा ही होता है कि न्यू ईयर शुरू होने से पहले साफ सफाई करो, फिर लाइटिंग, तो वो 12 रेड कलर का लगा हुआ। ये हर साल एक न्यू ईयर का एक एनिमल होता है, इस साल है रैबिट। अगर आपने किधर भी देखा होगा तो पड़ा होगा रैबिट न्यू ईयर। 2020 में था रैट न्यू ईयर और लास्ट ईयर बोले तो 22 में था टाइगर न्यू ईयर। और ये एनिमल को एक जोड़ियाक की तरह लेते हैं ये लोग, अपने मनपद में जोड़ियाक होते हैं, इनके साल साल में होता है, ऐसा समझ लो। क्योंकि ये जो रैबिट न्यू ईयर है वो 12 साल पहले आया था और अब 12 साल बाद आएगा। 23 में था अभी तो वो 2011 में आया था और अब आएगा 35 में। बहुत ज़्यादा हो गया ना। अपना ब्रेकफास्ट है ऑफ मिल्क, स्प्राउट्स, पीनट, आलमंड्स, ये ड्राई ग्रेप्स, ब्राउन वाली भी, ब्लैक वाली भी, और अखरोट, मिंट एंड डाल। दो भाई धूप आ गई, अभी मजा आया। बाकी मैं रोज इधर ही बैठता हूँ, ये किसी रूम से मैं चेयर थाम के लाया और दूसरी चेयर में इधर डालता हूँ, फिर मस्त चौड़े होके बैठ के मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ रोज। आज धूप नहीं थी इसलिए मैंने देख लिया। सारी सब्जी को काट के उसके अंदर मसाले डाल के चावल के साथ मिक्स करके राइस कुकर में डाल दिया ताकि वो पुलाव बन जाए, और तब तक के लिए मैं नहा के रेडी हो जाऊंगा क्योंकि प्लान है बाहर जाने का, जिधर लास्ट टाइम गए थे, और एक इंडियन रेस्टोरेंट में जाने का कुछ इंडियन खाने के लिए भी। पनीर रोटी समोसा। वैसे मैं रेडी हो गया लेकिन मेरे को ट्रिम करना था, बट अभी नहीं कर सकता क्योंकि ऑलमोस्ट 4 बज गए और निकलने का टाइम 4 बजे डिसाइड किया था। मैं तो रेडी हो गया, लेट्स सी बाकी का क्या हाल है। पूरे आधे घंटे के फोटो सेशन के बाद अभी हम आगे निकल रहे हैं। वैसे तेरे को कैसा लगा आधा घंटा पहले? नहीं नहीं नहीं, 2 घंटे लेट की जगह आधा घंटा लेट। मैं 4 बजे तैयार थी, ये लोग खड़े जा निकले। ये बस अपने को लेके जाती है मेट्रो, लेकिन लेकिन ड्राइवर कब का अंदर बैठा है पता नहीं, कभी निकलेगा। बस को और कितना टाइम लगे मालूम नहीं, इसलिए टैक्सी बुक करनी सर। मेट्रो में जाने के लिए या तो मेट्रो कार लगता है या तो एक मिनी प्रोग्राम भी है ये। अब यही स्कैन को मैं दूसरे मेट्रो में एग्जिट करूंगा तब मेरे पैसे कट जाएंगे। वाली लाइन चेंज करके आते हैं जुजियांग न्यू टाउन, सामने ही कैंटोन टावर दिखता है, लेकिन एग्जिट बी वन एग्जिट मैटर करो नहीं तो कहीं और निकलेंगे। एग्जिट बहुत मैटर करती है, बहुत चौड़े चौड़े एग्जिट है। मेन चीज है कि और इतना अच्छा खासा घूमने के बाद मेट्रो के 6U1 कटे, मेट्रो सही पड़ती है।
उधर से थोड़ा वॉक करते करते आ गया है, 7 बजे। आज का प्लान एकदम सिंपल है, पहले इधर कुछ इंडियन खाना खाएंगे उसके बाद जाएंगे बीजिंग। रेस्टोरेंट वाले पूछ रहे किधर से है, बोले ये पाकिस्तान से, ये इंडिया से, वो नेपाल से, आओ अखंड भारत भारत। खाना खा के हो गया, बहुत ज़्यादा हैवी पड़ा, बहुत टाइम बाद खाया पनीर समोसा, समोसा और बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया। अभी थोड़ी एनर्जी के लिए तेरे में एनर्जी आ गई, अभी थोड़ी एनर्जी के लिए चाय मंगाई है, तो मसाला चाय मस्त है क्योंकि नींद आ गई। और अभी आगे भी जाना है बीजिंग में, तो मन हो रहा है चाय को इसके अंदर निकाल के। अपनी जगह समझ लेते हैं तो मेरे को सब्सक्राइब भी कर दे। आप भी कर दो। आज तो 100 पर शक्कर भी मिल गई, खाना कंप्लीट हुआ। आगे कौन बैठ रहा है? हम जब थे तब लाइट बंद थी, अब कैंटन की लाइट चालू है। और ये गाड़ी क्या सेक्सी है, पूरा ग्लास है इधर। ये वही गाड़ी जो हमारी सुबह सुबह की बीजिंग लुक बोले तो बीजिंग रोड। चाइनीज न्यू ईयर पे इधर अच्छी खासी भीड़ रहती है, इधर सिर्फ लोग ही मिलेंगे। तू अपडेट दे दे यार, तू अपडेट तो अच्छी अपडेट दे। लास्ट ईयर जब कोरोना का टाइम था तब मैं बैठी और तनिष्का लाइक उस दिन भी अच्छा खासा घूमे थे, तब कोरोना चालू हो गया था फिर भी अच्छा खासा घूमे। अभी इधर लोग इतने ज़्यादा मास्क नहीं लगा के रखा है, कुछ कुछ लोगों ने पहना हुआ है, बाकी चल रहा है। इधर बहुत सारे स्टॉल्स हैं, सब लोग कुछ कुछ चीज़ें ट्राई करते करते जा रहे हैं। मैं इधर रिस्क नहीं लेता, वेज चीज़ की इधर बहुत ही ज़्यादा कमी है, पता नहीं क्या नॉन वेज चीज़ आ जाए। कोई कोविड नहीं है इधर। ब्यूटीफुल बहुत कितनी बनाया इसी जगह के अंदर, सारे ट्रेडिशनल आर्ट रखते हैं मोस्टली इंडिया जैसे के अंदर। ये क्या
अच्छा वो जो जमाना था एक टाइम पे बहुत चला था ये। आपको नहीं आएगा बहुत बढ़िया रहने मोस्टली किचन टॉयलेट वगैरह ऐसी चीजें इस तरफ सारे काउंटर इस तरफ हैंड जैसी चीजें और ये लेडीज डिपार्टमेंट रैबिट न्यूयॉर्क रैबिट 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 बहुत अच्छी जगह थी ये नया बना इधर हमको एक अफगानी फैमिली मिल गई थी उनकी जो वाइफ थी वो इधर गायनेक कर रहे हैं गायनेक में मास्टर कर रहे हैं उनसे अच्छी खासी बात की मजा आ गया। अभी मेरा ग्रुप और बाकी सब लोग बहुत आगे चले गए उनको हम ढूंढ रहे हैं। दो सीनियर सिर्फ इतने ही इधर है बाकी सब आगे चले गए। ये दूसरी एंशियंट साइट आई ये है 7th सेंचुरी की और ये जो चीज बनाई है ये बनाई थी 2002 में मतलब मेरे पैदा होने के एक साल के बाद। ये इनका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या चाहते हैं मतलब पहले ये एरिया जो था ऐसा था ना पहाड़ के ऊपर वो उसी का पार्ट है जो वो चाहता वो हाँ वो पहाड़ के ऊपर पहले राजा वगैरह किला था एंड बड़े बड़े लोगों के घर वगैरह द बिगेस्ट टेंपल ओवर दैट एंड आवाम सिंपल आवाम एंड द बैटल मैन ये वाला 7th सेंचुरी का डेमो है जो रियल वाला पार्ट है ये मॉडल है ये पहला ऐसा वाटर ये रास्ते पे घूम के पूरा वापस आए क्योंकि हम गलत रास्ते पे जा रहे थे। मैंने दीवान से कॉल लगा के पूछा वो लोग टेंपल घूम के भी आ गए टेंपल कुछ अलग रास्ते पे था हम अलग रास्ते पे जा रहे हैं तभी बोला फटाफट टेंपल चलते हैं। उधर से आए थे ये वाले सर्कल से अपने को ये वाले रास्ते पे जाता हम सीधा चले गए थे अभी इस तरफ ये बाजू में ही था। अरे ये लाइट अब भी बंद हुई है आपकी वजह से मेरा कंटेंट चला गया अब क्या देखेगी मेरी आवाम मेरी वजह से चली गई। हाँ आप सीनियर हो आप उस से ले गए मैं जूनियर हूँ मैं चला गया फॉलो पूरी कंटेंट ये दिखा बिना मुंह का रैबिट हॉरर बहुत बहुत बढ़िया कंटेंट है खुश हो गए लोग लोग खुश के पीछे रैबिट ही देख रहे कब से ये वो पेड़ों वाला फोटो ये पूरा टेंपल है लाइटिंग में ये बहुत ही बढ़िया दिखता है लास्ट टाइम देखा था मजा आ गया अभी फिर से आना पड़ेगा। येलो येलो लाइट
जस्ट जैसे ही कदम रखा सारी बंद हो गई। बहुत ही बढ़िया लगता है। किसने नजर लगाई बताओ तुम? व्यूअर्स व्यूअर्स अच्छे हैं मेरे मेरे व्यूअर्स बहुत अच्छे हैं। उसमें से मैं हूं, एक को सब्सक्राइब भी मैं ही करती हूं, कमेंट भी मैं ही करती हूं। कमेंट नहीं आते क्योंकि तुमने मुझे लाइक देना बंद कर दिया कमेंट पे, इसलिए मुझे भी It's 11 only. सब खाली हो गया और कर्फ्यू का भी कुछ सीन नहीं है। वो जड़ने वाली जगह जस्ट एक घंटे पहले फुल खचाखच भरा था, ये सब चीज उधर इधर इधर उधर सब जगह। लवली परफॉर्मेंस। हाँ वही सीनियर जिसकी वजह से हांगकांग तो घुमाया था इन्होंने। जिधर से टैक्सी में उतरे थे उसके पास में मेट्रो वाला स्टेशन था। टैक्सी भी नहीं हो सकती, मेट्रो बंद। साइकिल लेके चले टैक्सी रेंट की दिखा रहा है। अभी तो है ना, करो तो। बहुत ही सही। क्या करके रखा है इसने? बंद कर ला, कनेक्ट करो फटाफट। अब भी ब्लूटूथ करके मस्त गाना बजाएंगे। कौन सा गाना सुन? ये पीछे को ज्यादा कंफर्ट। आपने आगे बैठ के गलती कर ली। नहीं, हम छोटा था, फिट हो गया बहुत अच्छे से। इधर बहुत ही ज्यादा कंफर्ट है। दिन हो गई शाम जाने दो। बस करना था बाहर से ना, कम में पड़ा। अरे भाई आप तो 90 का सोच के चल रहे थे। 90 से 67 हो गया, सही है ना? इंजन खोल ला। इट वाज रियली फन डे। बहुत ही ज्यादा मजा आ गया हमको। लास्ट में जो वाले टेंपल पे गए थे ताफो टेंपल, अगर वो खुला होता और भी ज्यादा मजा आता। आशा करता हूँ आपको इधर तक पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक का बटन दब जाना चाहिए। शुक्रिया अलविदा, मासलमा, टेक केयर, डू व्हाट एवर यू वांट टू डू। आई वाली फीलिंग आ रही है स्टैंडिंग में। और दिन का अंत करते हैं कड़क मसालेदार चाय के साथ विद गुजराती पीपल्स। ये कुकर में बन रही है जुगाड़, गुजराती जुगाड़, गुजराती जुगाड़। कर का चाय मसाला, दूध मलाई मार के आधी रात का चाय नाश्ता। अरे भाई 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 भाई, भाई। कड़क चालू ही नहीं किया था। अबे यार तो सीन ऐसा है कि हमारे सीनियर चोरी करके चोरी करना सिखा रहे हैं। कैसे चोरी करते हैं? सी हार्डली लाइफ में सब चीजें अलग अलग चोरी करती है। मुझे इस चीज से ये इम्पोर्टेंट है ना। 3.9 के मिलते हैं मुझे। पॉइंट है ना, क्या बोलते थे इसको? टेंजरीन। अरे छोटा ऑरेंज।